हेलो डियर स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग ऑफ द डे। दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑफ यूनिट 4। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक इन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, सीयर टेस्ट एंड बैंड टेस्ट। इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, एंड देन इन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग वी हैव कवर्ड टेंसाइल टेस्ट एंड कंप्रेशन टेस्ट। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर नेक्स्ट टू टेस्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, दैट इज सीयर टेस्ट एंड बैंड टेस्ट। सो फर्स्ट, व्हाट इज सीयर टेस्ट एंड व्हाई इट इज नेसेसरी और व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू डू सीयर टेस्ट ऑन एनी मैकेनिकल डिवाइसेस और मैकेनिकल कंपोनेंट। सो मेनी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस लाइक शाफ्ट, बोल्ट, रिवेट्स, कीज आर सब्जेक्टेड टू सीयर लोड। ओके, सो द सीयर टेस्ट इज डिजाइन टू अप्लाई द स्ट्रेस टू अ टेस्ट सैंपल सो दैट इट एक्सपीरियंस अ स्लाइडिंग फेलियर अलोंग अ प्लेन दैट इज पैरेलल टू द फोर्स अप्लाइड। जनरली सीयर फोर्स कॉजेस वन सरफेस ऑफ अ मटेरियल टू मूव इन वन डायरेक्शन एंड द अदर सरफेस टू मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन सो दैट द मटेरियल इज स्ट्रेस्ड इन अ स्लाइडिंग मोशन। ओके, एंड द सीयर टेस्ट डिफर फ्रॉम द टेंशन एंड कंप्रेशन टेस्ट इन दैट द फोर्स अप्लाइड आर पैरेलल टू द टू कॉन्टैक्ट सर्फेस वेयर इज इन टेंशन एंड कंप्रेशन दे आर परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सर्फेस। सो एज यू ऑल नो द सीयर फोर्स वेन द फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू द सर्फेस, ओके, then the force is called shear force and the failure due to shear force is called shear failure. So जैसे कि टेंशन टेस्ट और कंप्रेशन टेस्ट में हमने देखा था कि जो हमने फोर्स अप्लाई किया था टेस्ट स्पेसिमेन में वो क्या था, आपका नॉर्मल टू द सर्फेस। ठीक है, टेंशन फोर्स और टेंसाइल फोर्स नॉर्मल टू द सर्फेस, एक्सियल टेंसाइल फोर्स एंड इन कंप्रेशन टेस्ट दैट इज एक्सियल कंप्रेशन फोर्स नॉर्मल टू द सर्फेस। बट इन केस ऑफ सीयर स्ट्रेस हम क्या करते हैं कि दो सर्फेसेस जो हैं हमारे जो स्पेसिमेन में उसमें दोनों साइड से जो हम फोर्स लगाते हैं वो दोनों फोर्स की जो एक्सिस है वो क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि दोनों सर्फेसेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं। ठीक है, और उससे हमें क्या मिलती है, उस स्पेसिमेन की सीयर स्ट्रेंथ। और इस टेस्ट को भी करने के लिए हम यूज़ करते हैं जनरली क्या, हमारा यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ठीक है, द पर्पस ऑफ सीयर टेस्टिंग, द फर्स्ट द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ सीयर टेस्ट इज टू डिटरमाइन द सीयर स्ट्रेंथ विच इज द मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विथस्टैंड बिफोर फेलियर अकर ऑफ अ मटेरियल। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ फास्टनर सच एज बोल्ट एंड स्क्रू। जनरली जितने भी कंपोनेंट्स जिसमें हमारा क्या होता है टॉर्सनल फोर्स लगता है, ठीक है, तो जितने भी जैसे कि शाफ्ट हो गया, आपका स्क्रू हो गया, नट हो, बोल्ट हो गया, इन सब में जब हम जाए फोर्स लगाते हैं कौन सा फोर्स होता है, आपका टॉर्सनल फोर्स। तो इसका जो फेलियर होता है वो किसके वजह से होता है, सीयर फेलियर। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इन सब का सीयर स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका सीयर टेस्ट। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक of many types of fasteners such as bolt and screws. For example, when a bolt is used to screw two plates together, it will experience a shear force. If the plates themselves experience any force parallel to their plane that attempt to separate them. If the small fasteners fail in shear, it may lead to a chain of failures that could lead to the entire destruction of a much large structure. So, to design or to कैलकुलेट द सीयर स्ट्रेंथ वी परफॉर्म और टू प्रिवेंट द फेलियर ऑफ द कंपोनेंट इन विच वी यूज फास्टनर्स लाइक स्क्रू और बोल्ट, वी मस्ट नो द स्ट्रेंथ ऑफ दैट फास्टनर और द फोर्स अप्लाइड ऑन द फास्टनर्स ड्यू टू द स्ट्रक्चर। द कॉमनली यूज टेस्ट टू डिटरमाइन द सीयर स्ट्रेंथ इज द डबल सीयर टेस्ट। टू टाइप्स ऑफ सीयर टेस्ट इज देयर, डबल सीयर टेस्ट एंड सिंगल सीयर टेस्ट। ठीक है, तो उसमें से भी हम क्या करते हैं, जो मोस्ट कॉमन है वो क्या होता है, हमारा डबल सीयर स्ट्रेस।
डबल शियर टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द शियर स्ट्रेंथ, अल्टीमेट शियर स्ट्रेस ऑफ द माइल्ड स्टील स्पेसिमेन। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन इज यूज फॉर परफॉर्मिंग द डबल शियर टेस्ट। हियर इन दिस डायग्राम देखिए इसमें क्या था, हमारी यूटीएम मशीन है, ये हमारा जो सेक्शन था ये किसके लिए हम यूज करते थे जनरली, आपका ये जो सेक्शन आपका ठीक है, एक टेंसाइल टेस्ट के लिए, उसके बाद एक कंप्रेशन टेस्ट के लिए, और जहाँ कंप्रेशन टेस्ट हम करते हैं वहीं पर एक अटैचमेंट लगाते हैं ठीक है। अटैचमेंट लगाने वाला क्या करते हैं, हम जनरली जो हमारा स्पेसिमेन होता है उस स्पेसिमेन को थोड़ा सा इंक्लाइंड कर देते हैं। इंक्लाइंड करने से क्या हो जाता है, जो हमारा कंप्रेशन टेस्ट के नीचे अगर आप देखेंगे मशीन के नीचे, तो उसमें दो स्लैब्स लगी होती है ठीक है स्टील की, वो दोनों स्लैब्स क्या होते हैं इंक्लाइंड हो जाते हैं, या फिर ऐसा बोले किसी एक एंगल हो जाते हैं, जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो इस टाइप से कुछ ऐसा लगता है ठीक है। तो ये हो आपका जो दूसरा डायग्राम, इसमें क्या सिंगल शियर मीन्स एक फोर्स आपका ऊपर से लग रहा है ठीक है, फोर्स क्या है दोनों पैरेलल, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है ये रहा और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या रहा ये रहा, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है आपके पैरेलल। तो अगर ये एक ही फोर्स लगाते हैं दैट इज कॉल्ड सिंगल शियर, ये क्या होगा इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, ये जो कंपोनेंट हमारा क्या होगा ब्रेक होगा तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। बट इन केस ऑफ डबल शियर हम क्या कहते हैं, दो एंड्स पे नीचे साइड से और उसके बीच वाला जो पोर्शन है उस पे एक साइड से। अब ये जब फेलियर होगा किसमें होगा, तीन कंपोनेंट में, एक ये कंपोनेंट अलग हो जाएगा, उस पर ये कंपोनेंट अलग हो जाएगा और एक ये कंपोनेंट अलग हो जाएगा, तो डबल शियर हो रहा है ठीक है, एक शियर ये और एक शियर ये। तो जनरली जो हम यूज करते हैं शियर टेस्ट के लिए वो यूज करते हैं क्या, हम डबल शियर टेस्ट अपरेटस विच इज अटैच्ड ऑन यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन इटसेल्फ। ओके सो थ्योरी हाउ वी कैलकुलेट द स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस द शियर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज अल्टीमेटली अ शियर इज द अल्टीमेट शियर स्ट्रेस अटेंड बाय द स्पेसिमेन विच अंडर डबल शियर गिवन बाय टी मैक्सिमम इज इक्वल टू एफ अपॉन टू ए। एरिया क्यों, क्योंकि डबल शियर स्ट्रेस में अगर आप देखेंगे डबल टेस्ट में तो दो एरिया आ रहे हैं, एक ये एरिया फोर्स आप उतना ही ले रहे हैं पर एरिया कितना आ रहा है, एक इधर से एरिया और एक ये एरिया, दो एरिया इसके कवर होते हैं, इसलिए इसमें एरिया क्या कर रहे हैं हम ट्वाइस लेते हैं ठीक है। तो टी मैक्स इज इक्वल टू एफ अपॉन टू ए वेयर एफ इज द मैक्सिमम लोड एट विच द स्पेसिमेन ब्रेक्स एंड ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्पेसिमेन। ओके तो नेक्स्ट इज द बेंड टेस्ट और फ्लेक्सुरल टेस्ट। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारे मटेरियल जो जैसे कि डक्टाइल मटेरियल्स जितने होते हैं, तो डक्टाइल मटेरियल्स की हम टेस्टिंग क्या करते हैं टेंसाइल टेस्टिंग की मदद से कर लेते हैं, बट दोज मटेरियल्स विच आर ब्रिटल जैसे सिरेमिक एंड पाउडर मेटल, उनको क्या कहते हैं उनकी स्पेसिमेन बनाने में ही ठीक है, क्योंकि उनको स्पेसिमेन अगर हमको टेंसाइल टेस्टिंग करनी है उनकी, तो उस केस में हमको स्पेसिमेन बनाने में ही हमें क्या होती है प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो थोड़ी सी भी उसकी ज़्यादा फोर्स लगेगा क्या होता है तुरंत वो टूट जाता है ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं उसका स्पेसिमेन ना बना के हम उसका बैंड टेस्ट करते हैं ठीक है। तो इन मेनी ब्रिटल मटेरियल सच एज सिरेमिक एंड पाउडर मेटल प्रिपेयरिंग स्पेसिमेन आर डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम इन्वॉल्व इन शेपिंग एंड मशीनिंग, मोर ओवर द टेंसाइल टेस्ट कैन नॉट बी इजली परफॉर्म बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सर्फेस फ्लॉज, इवन माउंटिंग द स्पेसिमेन इन टेंसाइल टेस्टिंग मशीन मे कॉजेस क्रैकिंग, दीज मटेरियल्स आर टेस्टेड यूजिंग बैंड टेस्ट ठीक है। वो मटेरियल जिनको हम बैंड टेंसाइल टेस्ट नहीं कर सकते, खास करके ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं जो, उनको हम क्या करते हैं बैंड टेस्ट उनका करते हैं ठीक है। जनरली जो बैंड टेस्ट होता है वो आपका थ्री पॉइंट बेंडिंग टेस्ट जो कि क्या है आपका कॉमन है जो जनरली यूज किया जाता है ठीक है, थ्री पॉइंट बैंड टेस्ट। ये फोर पॉइंट बैंड टेस्ट भी होता है जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है ठीक है। थ्री पॉइंट बैंड टेस्ट मीन्स आपने दो साइड से ये आपके स्पेसिमेन है, दो जगह से उसको सपोर्ट कर दिया आपने और एक साइड एक पॉइंट से आपने इसको फोर्स लगाया। फोर पॉइंट बैंड टेस्ट में क्या था जो आपने दो पॉइंट पर आप लोड भी दो पॉइंट से लगाते हैं ठीक है। तो जनरली जो हम यूज करते हैं क्या होता है आपका थ्री पॉइंट बैंड टेस्ट। इन दिस टेस्ट अ स्पेसिमेन विथ रेक्टेंगुलर और फ्लैट क्रॉस सेक्शन इज प्लेस्ड ऑन टू पैरेलल सपोर्टिंग पिन ठीक है, ये आपका दो पैरेलल सपोर्टिंग पिन। द लोडिंग फोर्स इज अप्लाइड इन द मिडिल ऑफ मींस मिडिल बाय मींस ऑफ लोडिंग पिन ठीक है, एक पॉइंट पॉइंट लोड लगाया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो आप सपोर्ट होता है जो कॉन्टेक्ट एरिया होता है पॉइंट कॉन्टेक्ट होता है हाई पॉइंट कॉन्टेक्ट, तो हम क्या करते हैं एक लोड पिन की मदद से हम क्या करते हैं इसके ऊपर एक लोड लगाते हैं। द सपोर्टिंग एंड लोडिंग पिन आर माउंटेड इन इन अ वे अलाउइंग द फ्री रोटेशन अबाउट एक्सिस पैरेलल टू द पिन एक्सिस, ये जो पिन है
इसके एक्सिस के अलॉन्ग आपका जो स्पेसिमेन हो क्या हो सके, रोटेट कर सके, और सिमिलरली क्या करे, एक्सिस पैरेलल टू द स्पेसिमेन एक्सिस, इसके एक्सिस के पैरेलल भी क्या कर सकता है, वो रोटेट कर सकता है। ठीक है, हमने अप्लाई वो किया, लोड किया, ये रहा आपका जो मशीन, ये जो आपको 3 पॉइंट फ्लेक्सुलर टेस्ट या बेंड टेस्ट बोल लीजिए, ये रहा इसका स्पेसिमेन, इसकी मशीन। ठीक है, ये दो सपोर्ट पॉइंट सपोर्ट हो, जैसे आप ये रोलर है, ठीक है, इन रोलर पे जब आप स्पेसिमेन आप रखें, देखिए स्पेसिमेन क्रॉस सेक्शन आपको दिया क्या, ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इसको हमने यहाँ रखा, और ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, ये भी आपका क्या दिख रहा है, रोलर टाइप का दिख रहा है। ठीक है ना, ये जब इन दोनों कॉन्टेक्ट में आता है, ये भी पॉइंट कॉन्टेक्ट होता है इन दोनों के बीच, इसलिए इसका नाम दिया गया 3 पॉइंट फ्लेक्सुलर टेस्ट, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है आपके स्पेसिमेन को, वो क्या आता है, पॉइंट के फॉर्म में। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हम लोड अप्लाई करते हैं टिल इट ब्रेक्स। ठीक है, और जिस पॉइंट पर ब्रेक होता है उससे हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, उसकी स्ट्रेंथ, जो हमारा सिंपल फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, डिपेंड्स अपॉन द एरिया कैसा है। ठीक है, 3 पॉइंट टेस्ट है या 4 पॉइंट, तो 3 पॉइंट बेंड टेस्ट का जो फॉर्मूला है, ठीक है, द लोड एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द स्पेसिमेन आर मेजर्ड, द लोड इज ग्रेजुअली इंक्रीज अंटिल द स्पेसिमेन ब्रेक्स, द स्ट्रेस एट फ्रैक्चर इज इन बेंडिंग इज नोन एज फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ और द ट्रांसवर्स फ्रैक्चर स्ट्रेंथ, दिस फॉर्मूला इज 3FL अपॉन 2WH² वेयर F इज द फ्रैक्चर लोड, L इज द डिस्टेंस बिटवीन द बॉटम सपोर्ट्स, W इज द विड्थ ऑफ द स्पेसिमेन एंड H इज द थिकनेस ऑफ द स्पेसिमेन। ठीक है, जहाँ तक है मुझे पता है, ये सारी जो फॉर्मूले हैं ये आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जब पढ़ा हो वहाँ पढ़ा होगा, शियर टेस्ट के लिए भी शियर का फॉर्मूला पढ़ा होगा, और साथ ही साथ आपने जब बेंडिंग एंड टॉर्सन पढ़ा होगा वहाँ पर आपने बेंडिंग इक्वेशन से आपने इसका फॉर्मूला ही पढ़ा होगा, फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो वो फॉर्मूला यूज़ किया, और हमने यहाँ से ये सारी चीज़ें नोन रहती है हमारे पास, विड्थ ऑफ द स्पेसिमेन, डिस्टेंस बिटवीन द बॉटम सपोर्ट, थिकनेस ऑफ द स्पेसिमेन, ठीक है, एंड द फ्रैक्चर लोड, इन सारी वैल्यू को पुट करें तो हमको क्या मिल जाता है उसका, जिस एफ फ्रैक्चर लोड, जिस लोड वो क्या कर रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ और द बेंड स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल। ओके, सो थैंक यू।